अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमजद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब अमजद यास्मीन। और आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप पार्ट 3 शेयर करें। सो आज हम लोग फाइनली पार्ट 3 शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और आज मैं शेयर नहीं कर रहा, यास्मीन अपनी जुबान से खुद शेयर कर रही है। और कुछ उसमें ऐसी बातें भी हैं जो कि दिल को छूने वाली हैं और आप लोगों ने दिल पे हाथ रख के सुनना है पार्ट 3, क्योंकि उसमें इमोशनल बातें भी हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि बस शेयर नहीं करना चाहते बट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। पहली बात यह कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें। आप लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं और आपका भी प्यार हमारे साथ है। तो यास्मीन पार्ट 3 शेयर कर रही है। यास्मीन स्टार्ट। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्टोरी। आपको पार्ट 2 तो अमजद ने बता दिया था, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं बताने लगी हूँ पार्ट 3। तो उस टाइम हम दोनों दुबई में थे और मेरी मम्मा की कॉल आई, तो मैंने बताया आपकी को, मैंने बोला आपकी मम्मा की कॉल आ रही है तो आपसे बात हुई, तो आपने बोला नहीं मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने एक कॉल नहीं उठाई। फिर मम्मा के आए मैसेज के कहाँ हो तुम, मैंने बोला मैं दुबई में हूँ, तो कहती हैं अच्छा दुबई में तुम क्या कर रही हो, मैंने देखा तुमने शादी कर ली, तो बहुत इमोशनल हो गई वो ना, रोने लग गई। मैंने बोला यार मैं खुश हो गई, मैंने बोला शायद उनको भी दुख हुआ है कि वो इतना मसरूफ़ थी कि मैं मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने काफ़ी रोई मेरे साथ, बातें की कि यास्मीन मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मसरूफ़ थी, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारे कोई मैसेज मतलब लेट नहीं चेक करूँगी, मैं हर वक्त अपना मोबाइल अपने पास रखूँगी, जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे मैसेज करना, ये करना, वो करना। तो मम्मा ने देखा था उसके बाद, मतलब 2-3 कॉल्स आई उनकी, उसके बाद जो है वो दूसरे दिन फिर मेरे पास कॉल्स आई ना, पहले कॉल जो आई उसमें वो रोई और मुझे बहुत सॉरी बोला, मैं भी रोने लगी, हम जब भी साथ ही थे मेरे, तो काफ़ी इमोशनल सीन था वो हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि एक बेटी का माँ के बगैर शादी करना, क्योंकि मैंने तो बता चुकी थी मैं कि मामा मैं शादी कर रही हूँ, मैसेजेस कर दिए थे, बट वो इतना मसरूफ थी और बात नहीं हो पाई। फिर नॉर्मल बात हुई, उसके बाद मम्मा ने ना दोबारा कॉल की मुझे, जैसे कल की उसने कॉल करके बोलती है मुझे कि यास्मीन ये क्या हरकत है तुम्हारी, तो मैं डर गई। मैंने बोला ये क्या बात हुई, अभी कल तो बिल्कुल ठीक थी। कहती है मैं तुम्हें कभी भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करूंगी, ये वो, तो पहली कॉल पे। और दोबारा जब उन्होंने कॉल की तो कहती है ये तुम्हारी क्या हरकत है, तुमने हर जगह वीडियो डाली हुई है अपने शौहर के साथ, तुम्हें पता है ये ठीक नहीं है हमारे लिए। मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब वो तो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके साथ कहीं भी वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ, और वो भी मैंने डाली है, लेकिन इन्होंने नहीं डाली। मैंने कहीं भी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ इंस्टा था, मैं जो यूज करती थी फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह, इनको बस मैं कभी भी मैंने फोकस नहीं किया, तो बस इनकी वजह से मम्मा ने टिकटॉक देखी और यूट्यूब देखा, इंस्टा देखा, इनका भी इंस्टा उन्होंने ढूंढ लिया। उसके बाद कहती है तुम एक एक जगह से वीडियोस जो हैं वो डिलीट करो, तो मैंने कहा मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती हूं, क्योंकि वो वीडियोस इन्होंने अपलोड की थी और उन पे अच्छे खासे व्यूज भी थे और हम लोग इतना घूमे थे, पूरे दुबई हम लोगों ने घूमा है दोनों ने साथ, और वो हमारी याद थी, हम कैसे डिलीट कर सकते थे। लेकिन भाई वो तो बहुत गुस्सा हो गए, कह रही हैं तुम्हें मैंने कहा है कि तुम उसके साथ रहो लेकिन सेपरेट होके रहो, लेकिन लाइक जैसे कि तौबा इस्तिगफार तौबा, कहती कि तलाक ले लो, उसके बाद तुम रहती रहो उसके साथ, कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हें सपोर्ट करना भी बंद नहीं करूंगी। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, अमजद को मैंने बताया, मैंने रो रो के घर पे कॉल की, आप ही को बोला, मैंने बोला आप ही वो इस तरह की बातें करी है ना मम्मा, तो आप ही ने बोला कभी भी नहीं, हम मुस्लिम हैं और हम कभी भी ये स्टेप नहीं उठा सकते कि मतलब तलाक लेके अलग से रहना एक लड़के के साथ बगैर निकाह के रहते रहो। लाइक मेरी मम्मा जो है वो मुस्लिम नहीं है, तो इस वजह से उनका ये माइंड है। और आप लोगों को पता है जापानी लोग ऐसे ही होते हैं, जापानी हो या कहीं के भी बाहर के हो, जो अंग्रेज, उन्होंने अभी तक खुद भी शादी नहीं की, उनकी एज है तकरीबन 40 प्लस हो गया मे भी, हाँ इतनी तो होगी, तो उन्होंने शादी नहीं की, मैंने बताया था, तो उन्होंने शादी नहीं की, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हर एक जगह से डिलीट करो, इसी वक्त अकाउंट ही डिलीट करो। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँ, मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला नहीं हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग काम करना स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम तलाक ले लो, तो मैंने तो बोला नहीं मैं नहीं कर सकती। उन्होंने फिर मुझे ना बहुत सारी बातें सुनाई, तुम्हें मैंने ये किया, तुम्हें मैंने यो किया, सपोर्ट की मैंने तुम्हें, रहने के लिए घर लेकर दिया अलग से, और मैंने तुम्हारी स्टडी किया, लाइक उनको गुस्सा आया, पता नहीं अब किस चीज़ पे गुस्सा आई, लेकिन ये जो गुस्सा था ये नाजायज़ गुस्सा था, जायज़ गुस्सा नहीं था, जैसे कि तलाक ले लेना।
तलाक, तो आप लोग खुद बताएं कि अगर हमने शादी कर लिए, जो मेरे रियल माँ बाप है ना, अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम एक दूसरे के निकाह में हो जाते हैं, तो रियल माँ बाप भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम लोग तलाक दो एक दूसरे को और सेपरेट हो जाओ। मेरे रियल माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी रुखसत किया अपने घर से, वो भी वीडियो हमने लगाई हुई है, रुखसत किया अपने घर से। और जो मेरी मतलब सौतेली माँ है जापान वाली, उन्होंने मुझे बोला कि तुम तलाक लो, तुम खत्म करो ये सारी चीजें, तो मैं ये नहीं कर सकती थी, मैंने तो मना कर दिया था साफ साफ, मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकती। उन्होंने बोला ठीक है तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, तो मैंने बोला आपकी मर्जी, आप मुझे ब्लॉक करना चाहती हैं, आपने मुझे खुद अडॉप्ट किया था और खुद आप मुझे ब्लॉक कर रही हैं, आप मुझसे रिश्ता खत्म कर रही हैं, मैं कभी भी इस तरह नहीं करूंगी कि मैं इनसे तलाक ले लूं। और कहते हैं कि शौहर ही जिंदगी में वही इंसान होता है, जैसे कि मियां बीवी शादी हो जाए तो मियां बीवी वही इम्पोर्टेंट होते हैं रिश्ते और भी जरूरी, लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो मियां बीवी का रिश्ता है। तो मैं ये कभी भी खत्म नहीं करना चाहती थी, तो उसके बाद मेरी माँ ने काफी गुस्सा किया और 2-3 दिन मेरे घर वालों को भी मैसेज करते रहे, आपी को बाबा को मैसेज करते रहे कि ये क्या हरकत है। तो फिर उन्होंने बोला भाई हमने तो पहले ही बता दिया था आपको, आप मसरूफ थी, हमने तो उसी दिन ही बता दिया, 15 से 20 दिन हमने उससे पहले शादी से पहले बता चुके थे, फिर हमने शॉपिंग की हर एक चीज की, उसके बावजूद भी हम कॉल्स भी करते रहे मैसेज भी करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि फिर शादी के बाद जो चीजें उन्होंने देखी, देख के ये बोल दी कि चलो ठीक है यासमीन तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और स्ट्रगल करो, अच्छी बात है। उस टाइम मैंने बताया, मैंने बोला मामा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं खुद कर लूंगी, आप बस मेरे बैक पे रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और वैसे भी शादी पे भी जितना भी खर्चा हुआ था वो हमने खुद किया था, हमने किसी से भी नहीं लिया, हमने खुद किया था वो खर्चा। तो मामा ने बोला नहीं मैं इस तरह नहीं कर सकती, तुमने शादी कर ली अभी तुम्हें सपोर्ट करने वाले ये हैं। तो मैंने बोला मामा अभी वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, लाइक कितने 3 साल 2 साल तो वो छोटे हैं ये मुझसे। मैंने इनको बताया, मैंने बोला वो भी स्ट्रगल है कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, और मैंने बोला आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बट आप ये मत करें, अपने किए कराए पे पानी मत फेरें कि मैं ब्लॉक कर रही हूँ और मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ, क्योंकि इतने 4 से 5 साल में भी 6 साल होने वाले थे, ये 6 साल होने वाले थे हमारे रिश्ते को जब से मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। तो मैंने बोला इन चीज़ों पे पानी नहीं फेरो, कि तुम आप ऐसा करें कि मतलब सपोर्ट ना करें आप माँ के होने, माँ की हैसियत से सपोर्ट ना भी करें, बट ये तो पता होना कि मेरी माँ है जापान में। अभी भी मैं बोलती हूँ, अभी मैं ये नहीं बोलती कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया या उन्होंने कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अभी भी मैं ये बोलती हूँ कि मेरी माँ है जापान में है ना। लेकिन हुआ ये एंड ये था कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक करके उसके बाद अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आज शायद बाबा के साथ होता हुआ कॉन्टेक्ट मुझे नहीं आइडिया, बट उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक करके, और आज तक हमारी बात नहीं हुई है, लाइक 6-7 महीने हो गए हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो पार्ट 3 जो है ये था यास्मीन का, क्योंकि वो चाहती थी कि यास्मीन मुझसे दूर हो जाएं और अल्लाह माफ करे। मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि मैं इससे दूर हो जाऊं, अगर मेरे घर वाले मतलब मेरे रियल माँ बाप भी बोलेंगे ना कि अगर तुम इससे दूर हो जाओ तो मैं कभी भी नहीं हो सकती हूँ, मेरी जिंदगी का जो पार्ट मेन पार्ट है वो ये है, मैं इनसे कभी भी अलग नहीं हो सकती हूँ। हालांकि मेरे रिलेटिव में कुछ लोग ऐसे हैं जो अमजद को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अमजद को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा ही ना, वो खुश नहीं है इनसे कि मैंने शादी की है, तो वो खुश नहीं है कि तुम किसी अमीर से शादी करती, तुमने ऐसे लड़के को चुना हो जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। तो उन्होंने भी मुझे ये अल्फाज नहीं बोले कि तुम अलग हो जाओ, तलाक ले लो, ये कर लो, हालांकि वो दुखी हैं मुझसे थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे लड़के से शादी की जो अभी कुछ कमाते वमाते नहीं है। तो हमने फिर किसी को भी कुछ नहीं बोला, हमने अभी खुद स्टार्ट किया है ये यूट्यूब और बाकी टिकटॉक पे वीडियोस हम बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि हमारे यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए और हमें सपोर्ट हो, और हमें और कहीं से सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक कि एक और जगह से भी मुझे सपोर्ट थी बट वो भी ख़त्म हो गई है। और सबसे ज़्यादा एक सपोर्ट यही थी कि मेरी माँ थी, मेरा घर था, सब कुछ था, वो भी मुझसे मतलब अभी नहीं रहा मेरे पास कुछ भी। तो अब से मेरे पास अमजद हैं और बस अल्लाह पाक हैं, वही सबका करते हैं, अल्लाह पाक ने जिन जिन को पैदा किया है कभी भी भूखा नहीं सुलाया, और अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, हम लोग हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ, बहुत खुश हैं, और
बस जो है ना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी मुश्किल के यही 2-3 महीने हैं, उसके बाद हम लोग सेटल हो जाएंगे। अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है ना तंग नहीं गुजार रहे अपना टाइम, के मुश्किल में होता है जैसे कि खा नहीं पाता बंदा या उसके पास कुछ नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का जो है ना दिया हुआ बहुत कुछ है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग, बाकी ये भी बात है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे दिल में है, आज भी है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि मैं एक छोटी सी थी बच्ची और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, लाइक माँ होने का फर्ज अदा किया, लेकिन एंड में जो उन्होंने किया तो वो ठीक नहीं था। अगर वो मुझे ये भी कहती ना कि यासमीन चलो ठीक है तुमने शादी कर ली ना तो कोई बात नहीं, शादी कर ली, अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, ये मानने वाली बात है कि हाँ भाई ठीक है आप सपोर्ट ना करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि आप चीज़ें डिलीट करो और तलाक ले लो। अभी शादी को हुए भी 2 महीने भी मुश्किल से हुए थे, मैं भी 1 महीना ही हुआ था हमें शादी हुए हुए, तो कहने लगी नहीं तुम तलाक ले लो, तो मेरे आपी ने बोला कि अगर वो छोड़ती है तो छोड़ दें, लेकिन हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि हंसता बसता घर किसी के कहने में आके तलाक लेके घर बैठ जाए, तो ना ही मेरी फैमिली में ऐसा किसी ने किया है और ना ही किसी ने मुझे कोई ऐसी राय दी है कि तुम इसको छोड़ दो। हालांकि मेरे घर वाले खुश नहीं हैं, मेरे घर में से कुछ चंद लोग खुश नहीं हैं, हम जैसे कि वो चाहते थे कि तुम किसी अमीर से शादी करो, पर मैंने अमजद को चुना क्योंकि ये भी स्ट्रगल कर रहे थे और साथ में मैं भी स्ट्रगल कर रही थी इस वजह से, पर अल्लाह सबके साथ है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे एक दिन और सबको दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं और अमजद ने बहुत किया है मेरे लिए। तो सो गाइस थैंक यू सो मच, Part 3 आप लोगों ने देखा और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते थे और दिल भी दुखता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार इनकी सारी स्टोरियां फेक हैं, लव स्टोरी के बारे में कह रहे थे वो फेक है, इस वाली स्टोरी के बारे और में। जो हमारा काम है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कोई भी बंदा जो है जितने भी ब्लॉगर हैं उनको सल्यूट है, जितने भी ब्लॉगर हैं जो अपने घर की एक एक चीज दिखाते हैं, एक एक जगह का बताते हैं, आप लोगों को पता है आजकल के हालात कैसे, कोई भी अपने मतलब अपनी रियल स्टोरी जो हो गई या फिर घर के हालात हो गए, हर अपनी एक एक बात शेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह ना करे कल को कोई जाता हुआ गोली मार दे, हर किसी को पता है कि ये इस टाइम निकलते हैं, इस टाइम ये करते हैं, आप लोगों को भी पता है, आप लोग घर बैठे हुए हमें देखते हैं कि हमने आज क्या खाया है क्या नहीं खाया, हम जब कहाँ से लेकर आए, हम जब ने कौन सी शॉप से लिया, हम कौन सी शॉप पे खड़े हुए थे, हमारा रास्ता कौन सा है, हम किस रास्ते से घर जाते हैं, कब हम कहाँ निकलते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हर एक व्लॉगर के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है अगर व्लॉगिंग कर रहे हो आप किचन में व्लॉग बना लो वो अलग बात है, लेकिन जो हमारी लाइफ है, जो हमारी स्ट्रगल है वो बहुत मुश्किल है, हम अपनी लाइफ का इतना पार्ट भी आप लोगों से शेयर करते हैं और ये जान पे खेल के व्लॉगिंग करो, जो भी व्लॉगिंग करा वो अपनी जान पे खेल के करता, क्योंकि ऑडियंस जो होती है, आवाम जो होती है, उनको सब पता होता है कि कौन किस टाइम बाहर जाता है, कौन किस टाइम कहाँ होता है, सबको पता होता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये। और जिस तरह प्यार करने वाले होते हैं तो उसी तरह दूसरे लोग भी होते हैं, मुखालिफ भी होते हैं, जैसे बहुत होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो इसमें नेगेटिव भी आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन इसलिए हम इग्नोर करते हैं, हम किसी को भी इतना वो नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ होती है आप लोगों से कि आप इस तरह का हमारे साथ कर रहे हैं, हमने किया क्या ऐसा जो आप लोग हमारे, वैसे भी ये बात है जाना, अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हमारा व्लॉग ना देखें, हमारा कोई कहीं से भी आप, अगर आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट ना किया करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, अनसब्सक्राइब करके देख के चले जाएं, ठीक है, देख के चले जाओ, तो जिनको लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, हम लोग जो है राइट हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बहुत सारा प्यार भी देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। आज की बात मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा ही कामयाब पैदा नहीं होता, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, माँ के पेट से सीख के कोई भी नहीं निकलता, ये तो ट्रू है, बिल्कुल सही है, कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं निकलता, वो दुनिया में आता है, वो सीखता है, वो कामयाब होता है, और हम भी उसी सीढ़ी पे खड़े हैं कि हमें और सीढ़ियाँ चढ़नी है स्टेप बाय स्टेप, तो हम वो कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, लंबा हो गया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी, बाकी हमने सोचा था कि हम शॉर्ट व्लॉग बनाएंगे और हमें एक्चुअली बाहर भी जाना था, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम कम टाइम का बनाएंगे, 6-7 6-7 मिनट का सोचा था। सो गाइस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, और आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहें, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, आप लोगों के सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, एक एक कमेंट पढ़ते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब, थोड़ा सा हम बिजी हो गए, आप लोगों के नाम नहीं ले पा रहे हैं, बट जैसे हम थोड़ा सा फ्री रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इंशाल्लाह हम सबके नाम लेना स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम शुरू में कर रहे थे। जी
सो गाइस थैंक यू सो मच, तीसरी दफा अल्लाह हाफिज।